एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि आई एम पिस्ड या आई एम पिस्ड ऑफ क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हमें कब बोलना चाहिए आई एम पिस्ड या आई एम पिस्ड ऑफ। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। आई एम पिस्ड या आई एम पिस्ड ऑफ का मतलब होता है आई एम एंग्री, यानी मैं नाराज हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं आपसे नाराज हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम पिस्ड ऑफ यू। हालांकि इस सेंटेंस के जगह पर आप ये भी कह सकते हैं आई एम एंग्री विद यू। अगर आपको कहना हो मैं नाराज हो गया जब वह मुझे धोखा दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉज पिस्ड व्हेन ही चीटेड मी, यानी जब उसने मुझे धोखा दिया मैं नाराज हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा। आई एम पिस्ड या आई एम पिस्ड ऑफ का मतलब होता है आई एम एंग्री। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस तरह के सेंटेंसेस को एक और तरीके से बोला जाता है, यानी अगर आप चाहें तो आप इजारम के जगह पर गेट का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं आपसे नाराज हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई गेट पिस्ड ऑफ यू। आप ये भी कह सकते हैं आई गेट एंग्री विद यू। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि यहाँ मैंने इजारम के जगह पर बोला गेट, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप इजारम या वाजवर के साथ गेट का भी इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया। अगर आपको कहना हो वह मुझसे नाराज हो गई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी गॉट पिस्ड ऑफ मी, यानी वह मुझसे नाराज हो गई। यहाँ मैंने गेट का सेकेंड फॉर्म बोला गॉट, क्योंकि मेरा सेंटेंस पास्ट में है, यानी प्रेजेंट में जहाँ आप इजारम का इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ पर आप गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और पास्ट में जहाँ आप वाजवर का इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ पर आप गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।